नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत पर कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर जो बयानबाजी की है उसको लेकर बिहार में किरकिरी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता हैं। सर, ये बताएं कि क्या लगता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या इस तरीके से किसी भी राज्य के या राज्यवासियों को लेकर ऐसा बयान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा बयान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश है और संवैधानिक ढांचा के आधार पर हमारा देश का संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है, उस आधार पर कोई भी प्रांत का मुख्यमंत्री या कोई भी देश का व्यक्ति किसी पर प्रांतीय व्यक्तियों के बारे में कोई भी इस तरह का बात नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे देश के मौलिक अधिकार में यह बात कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर के जीवन बसर कर सकता है, वहाँ नौकरी कर सकता है, वहाँ रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, वहाँ किसी भी तरह का रोजगार या कोई भी काम कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी का यह बयान निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्से में अन्य राज्यों के लोग भी रहते हैं। दिल्ली जो संपूर्ण देश की राजधानी है, संपूर्ण देश के लोग दिल्ली में निवास करते हैं। बंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ भी संपूर्ण देश के लोग रहते हैं और आपसी मेल मिलाव से वहाँ देश के आर्थिक विकास में, संसाधन में अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वयं कमलनाथ जब पहली बार 80 में छिंदवाड़ा लोकसभा से चुनाव लड़ने गए थे तो वो उस राज्य के उस समय निवासी नहीं थे, वो तो कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और स्वयं कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो पहले तो उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि राजनीतिक तौर पर उनको जब स्थापित होना था, श्रीमती गांधी ने उनको कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उनको वहाँ भेजा था, उस समय तो उस राज्य के बाहरी लोग थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको स्नेह दिया, प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, जिसका नतीजा है कि आज उस राज्य की सेवा करने के लिए उनको चुना है, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन बिहार की जो पार्टी है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, उन्होंने इस बयान को लेकर साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू तूल दे रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अपने राज्य के लोगों से प्यार नहीं है, अपने राज्य के लोगों से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ उनको अपनी एलआई पार्टी और राज्य में हम कैसे सत्तासीन हो जाएं, इसके लिए अगर उनको सिर्फ कमलनाथ जी का बयान दिखाई पड़ रहा है तो मैं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता उनको धूल चटाएगी, उनको मजा चखाएगी, क्योंकि राज्य की जनता सब देख रही है।